नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीट पर हुए एमएलसी चुनाव की अगर हम बात करें तो कल नतीजे सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा सीट भाजपा को मिली, यानी कि भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 6 सीट पर जीत दर्ज की है और साथ ही जनता दल यूनाइटेड को 5 सीटों पर बढ़त मिली। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो आरजेडी अपने जीत को लेकर अब इस बात का दावा कर रही है कि आगे बिहार के राजनीति का जो समीकरण है वो बदलने वाला है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एक नई चाल और नई रणनीति अपनाई गई। बता दें कि इस बार के बिहार एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण से परे हटकर बाकी लोगों को भी इस चुनाव में मौका दिया। भूमिहार जाति से 5 लोगों को टिकट दिया गया, जिसका फायदा भी इस बार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हुआ है। ऐसे में राजद के जीत के बाद अब पहली बार तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस जीत को लेकर अपने तमाम उम्मीदवारों को, अपने पार्टी के लोगों को धन्यवाद कहा है और ये कहा है कि इसी तरह हमें आगे मजबूती से बढ़ना है और बिहार में राजद के कद को बढ़ाना है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से। एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद किस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों को यह बधाई दी है, तो बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय प्राधिकार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के दमखम से चुनाव लड़े सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजद ने प्रदेश में सबसे अधिक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों में मत हासिल किए। सभी कर्मठ प्रत्याशियों की मेहनत एवं सामूहिक नेतृत्व में मिली इस अद्भुत जीत के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इसके साथ ही एक तस्वीर भी तेजस्वी यादव ने साझा की है, जिसमें आप सभी को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं लिखते हुए जो एक पोस्टर है वो तेजस्वी यादव की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार के एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हर एक जिले में आरजेडी के जितने भी प्रत्याशी हैं, पार्टी के लोग हैं, उनकी तरफ से चुनावी सभाएं की जा रही थी, प्रचार प्रसार किए जा रहे थे। खास करके अगर हम पटना सीट की बात करें तो यहां पर कार्तिक सिंह को लेकर जीत के जो दावे हैं वो आरजेडी की तरफ से किए जा रहे थे। ऐसे में अगर हम कार्तिक सिंह की बात करें तो बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी है कार्तिक सिंह और खुद लालू प्रसाद यादव ने इस बात का फैसला लिया कि पटना की सीट से कार्तिक सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और परिणाम जिस तरह के देखने को मिले ये भी राजद के पक्ष में रहा। कई एक ऐसे सीट रहे जहां पर सिटिंग एमएलसी को हराकर राजद के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तेजस्वी यादव के लिए। और इसी को लेकर जीत की जो बधाई है वो तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई है अपने प्रत्याशियों को, अपने उम्मीदवारों को, साथ ही साथ पार्टी के उन तमाम लोगों को। तेजस्वी यादव ने धन्यवाद कहा है जिन्होंने इस बार के एमएलसी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाई है। ऐसे में अब इस चुनाव से ही आगे मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने इस बार नई रणनीति अपनाई है, तो वहीं आगे भी किस तरह से राजद को मजबूत किया जाए और ना सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी राजद के कद को बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। और इसी को लेकर अब समीकरण में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ एमवाई नहीं बल्कि बाकी चाहे हम भूमिहार जाति की बात करें, स्वर्णों की बात करें, उन सभी पर फोकस किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। जो 3 दशक में नहीं हुआ वो काम किया है तेजस्वी यादव ने और यही वजह है कि अपने पार्टी के उन तमाम लोगों को ये बधाई संदेश तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के हुए जय जयकार को लेकर जो बधाई है, जो शुभकामनाएं हैं, वो अपने पार्टी को के लोगों को तेजस्वी यादव ने दी है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।